एरेक्ट का वाकई में स्नो रोबोट ट्रांसफॉर्मर जो भी है ये वाकई में हो सकता है। ठीक है यार, तेरे को नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मेरे को तो टिप्सन के पास लेके चल, टिप्सन ही मेरे को बताएगा। आखिर यार कार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे पास ऐसी ऐसी न्यू अपडेट है क्यों आ रही है। स्नो ट्रांसफॉर्मर, स्नो ट्रांसफॉर्मर बड़ा अजीब नाम है ना इस रोबोट का, पर जो भी है बड़ा खतरनाक लग रहा है देखने में तो। टेप जान, अबे बेरे इंसान, जल्दी से चलते हैं टिप्सन के पास, वही मेरे को बताएगा कि आखिरकार ये है क्या चीज, ये वाकई में चीज भी है या फिर ओ शिट यार ये एरेक्ट का मरवाएगी कितने दिन, कतई मेरे को गाड़ी में तो फेंक दिया। कहाँ गई एरेक्ट का, भाग गई? अबे पुलिस वाले, मैंने तो कुछ किया ही ना यार, वो तो सारी की सारी उस लड़की की गलती थी। बदतमीज, मेरे को मार रहा था बेपालतू में। ओ मेरे पास टाइम खराब करने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं जल्दी से चलता हूँ टिप्सन के पास। ओए टिप्सन, ली चल इंसान, मेरी बात सुन यार। क्या हुआ टिप्सन? मैं तेरे को एक चीज दिखाता हूँ, कतई मेरे मैप पर चल। और कहाँ गया? ये देख ये देख ये देख, ये है क्या, ये है क्या टिप्सन? अबे ये तो स्नो रोबोट है ना, उस स्नोमैन का बनाया हुआ। ओहो स्नोमैन का बनाया हुआ स्नो रोबोट। अबे यार ये पुलिस वाले कहाँ से आ जाते हैं बीच बीच में? यारो जल्दी से यहाँ से निकल लेते, वरना ये पुलिस वाले कहते ऐसे कम तैसे कर देंगे, सीधा मेरे को जेल में फेंक देंगे। अब मेरे को समझ में आया ये स्नो रोबोट आखिरकार उस स्नोमैन का है। वाओ मस्त यार, कतई यारो मेरे को कुछ भी करके इस न्यू अपडेट को तो लेनी है, लेनी है यार, लेनी है। और रुक जा यार, कतई मैं अभी फूक जाता यारो। पर इस रोबोट को बनाया किसने होगा? तुम लोग तो जानते हो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जो कि रोबोट बनाता है, और वो है आयरन मैन। हम लोग आयरन मैन के पास चलते हैं, उसे जरूर मालूम होगा कि ये रोबोट मुझे कैसे और कहाँ पर मिलेगा। तो चलो यार फटाफट से आयरन मैन के पास। तुम लोगों को मालूम है ईविल हल्क है ना आयरन मैन के पीछे बहुत ही ज्यादा सुअरों की तरह पड़ा हुआ है, कतई बहुत मारेगा अगर दिख गया आयरन मैन तो। खैर जो भी हो, जल्दी से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, वरना अगर ईविल हल्क आ गया तो मेरी ढक चुकी कर देगा। वैसे यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है मेरे को। ओए रुक जा रोपी रो, अब कतई कसीनो जाएगा, रुक जा यार, अबे रुक जा। हाँ ये ठीक है, कभी कभी तो बात ही ना मानता मेरी। वो देखो वो रहा आयरन मैन का घर, यहाँ से जाता हूँ सीधा रोप से, कोई मुझे देख ना ले यार जाता हुआ, वरना कहते ही भी ललको को बता देगा। हाँ चलो यार सेफ तरीके से मैं घर तो पहुँच गया। ओए आयरन मैन, है क्या तू घर के पास? ओह अभी मैं पानी में गिर जाता। आयरन मैन, ये मैं तेरे को एक चीज दिखाता हूँ, ये देख स्नो रोबोट स्नो ट्रांसफॉर्मर। ओह रोपी रो, ये तो मैंने ही अपने हाथों से बनाया था उस स्नोमैन के लिए। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे को मिलेगा कहाँ पर? हाँ समझ गया समझ गया यार समझ गया। यारों आयरन मैन ने कहा है कि मैंने ही उस स्नोमैन के लिए बनाया था, तो चूतिए उस स्नोमैन के पास होगा ना, तो स्नोमैन के पास जब वही तेरे को ये रोबोट दे सकता है। हम लोगों को स्नोमैन के पास जाना होगा, और स्नोमैन तो हमारे बाइस टाउन से बहुत पहले ही जा चुका है। हम लोगों को स्नोमैन की सिटी में जाना होगा जहाँ पर वो रहता है। आ रहा हूँ मैं स्नोमैन, कहते आ रहा हूँ मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ। कहते पहले नंबर तो इसको निकालो यार, हम लोगों को फटाफट से जाना चाहिए स्नोमैन के पास। स्नोमैन आ रहा हूँ यार मैं, कहते तेरे पास आ रहा हूँ। वह मैं नीचे ना गिर जाऊँ। पर तुम लोगों को क्या लगता है, स्नोमैन मेरे को अपना इतना मस्त रोबोट देगा? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। इसको क्या हुआ? वो ये तो ग्रीन ट्रांसफॉर्मर है। तो बस यार मैंने तो सिर्फ और सिर्फ कार लेने के लिए इसको खींचा था, मेरे को ना मालूम था ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मर है। मैं तो क्या कहते काम से, अब मेरे को स्नोमैन मिले ना मिले, लेकिन मैं यहाँ तो भाग जरूर लेता हूँ। भागो रे भागो, सब भागो, ग्रीन ट्रांसफॉर्मर पीछे पड़ गया। ओ ये वाकई में चूतिया है थोड़ा सा, दिमाग का पागल है। कतई पानी में कूदने की क्या जरूरत थी, मैं तो तैर सकता हूँ लेकिन ये थोड़ी ना तैर सकता है। कह रहा हूँ मैं अब तैरता तैरता बहुत दूर आ गया, कतई स्नोमैन की सिटी में आ गया। वो यार यहाँ पर तो बड़ी भयंकर गर्मी है कतई। अब यार स्नोमैन यहाँ पर रहता है कतई इतनी भयंकर गर्मी में, कतई यहाँ पर वो पिघल क्यों नहीं जाता? यारो वाकई में मैं तुम लोगों को बता दूँ, बड़ी भयंकर गर्मी है, क्योंकि तुम लोग ऊपर देखो, कतई तुम लोग जरा थोड़ा सा ऊपर देखो, कतई सिर के ऊपर ही सूरज है, वो भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर। मैं एक काम करता हूँ, धूप में खड़ा रहा तो कतई काला पड़ जाऊँगा। वो देखो छाएँ, कतई पेड़ की छाएँ में बैठते हैं थोड़ी देर। थक गया यार मैं कतई, कतई पानी पीना है वो भी ठंडा ठंडा, यहाँ पर तो पानी भी ना मिलेगा। एक मिनट, ये पूरी जगह गर्म है, मतलब अगर स्नोमैन यहाँ पर रहता तो वो पिघल जाता अभी तक। इस पूरी सिटी में कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जो कि ठंडी होगी, तो यार हम लोगों को उस ठंडी जगह पर जाना चाहिए। और तुम लोग तो जानते हो किसी भी शहर की देश की
पूरी जगह ठंडी हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जगह को छोड़कर, और वो है सामने, वो कसीनो। हम लोगों को कसीनो जाना चाहिए। कसीनो में जाकर ही हम लोगों को ठंडक मिलेगी, और वहीं पर हो ना हो स्नोमैन भी कसीनो में ही हो सकता है, क्योंकि पूरे शहर में बहुत भयंकर गर्मी है। यहाँ पर तो स्नोमैन बिल्कुल भी रह ही नहीं सकता, अगर रहेगा तो वो पूरा का पूरा पिघल जाएगा, ये तो तुम लोग भी जानते हो। मस्त दिख रहा हूँ यार, कहते एक फ़ोटो तो बनती है, कैसे खींचूँ, पर खैर छोड़ो, मैंने खींच ली। वो देखो यार, कतई कसीनो तो दिख रहा है, पटापट से यहाँ से निकल लेते हैं वरना कड़ा कड़ा मैं कतई ऐसी कि तैसी हो जाएगी मेरी। मैं अपनी रोप का इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पर, हुआ बिल्कुल कर सकता हूँ यार, कतई मेरी रोप बहुत मस्त है यार, हमेशा मेरा काम में साथ देती है। अबे रुक जा, वह कतई लग गई यार, मैं कह रहा था रुक जा, पर ये मेरी रोप कतई घटिया रोप मेरी बात सुनती ना है। कोई ना, जल्दी से यहाँ से भाग लेते हैं वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। निकलो रे, निकलो, भागो रे, भागो इधर से, जल्दी से निकल लो। यारो मैं बता रहा हूँ, एक बार बस स्नोमैन मेरे को मिल जाए और मेरे को बता दे कि कहाँ पर है वो स्नो ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर तो यार 22 टाउन से भी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। एक तो यार यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और फैक्ट्रियाँ हैं ना, सब जगह की गर्मियाँ यहाँ पर निकल रही है, पता ना स्नोमैन कैसे रह लेता होगा इधर, मेरे को तो घंटा कुछ समझ में ना आ रहा है। और यहाँ पर इतनी रेत है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, सब जगह सिर्फ गंदगी गंदगी है। 22 टाउन तो भी इससे बहुत ज़्यादा सही है। तुम लोग बताओ, तुम लोगों को कौन सा मस्त लगता है, ये माफिया सिटी या फिर 22 टाउन? खैर तुम लोग बताइए कमेंट में, ठीक है ना। और ये देखो आखिरकार कसीनो आ ही गया। यारों अब फटाफट से एक काम करते हैं, कसीनो के अंदर निकल लेते हैं वरना इस धूप में तो मेरी ऐसी कम तैसी हो जाएगी। स्नोमैन अब तो बस कसीनो में ही मिल सकता है मेरे को। मैं पूरा का पूरा माफिया सिटी बोर खंगाल मारा, लेकिन यहाँ पर मेरे को एक भी ना मिला स्नोमैन। ए स्नोमैन, और यारो यहाँ पर मस्त मस्त हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी, हो ना हो इधर ही हो सकता है स्नोमैन, वरना और तो कहीं हो ही ना सकता है। पर यहाँ पर किधर होगा, मेरे को तो कुछ भी समझ में ही ना आ रहा है। ए स्नोमैन, यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं है, पर यहाँ पर तो और ज़्यादा ठंडक है यार, हो ना हो इधर ही कहीं पर है। इनमें से तो कोई स्नोमैन ना है? नहीं यार, ये तो दो लड़कियां एक लड़का है। अबे यहाँ पर क्या कर रहे हो, निकल जाओ इधर से, ये जगह ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, स्नोमैन को बुलाओ। ओ स्नोमैन आ गया, सही है स्नोमैन, तेरे को मालूम है मेरे मैप पर यार वो स्नो ट्रांसफॉर्मर आया है, तू मेरे को दे सकता है क्या स्नो ट्रांसफॉर्मर, कहाँ पर है क्या? अबे यार मैं चूतिया हूँ क्या, मेरे को मालूम क्यों ना चलता है ये कौन है? अबे तू यहाँ पर काय के लिए बैठ के, मैं तेरे से मना करी कि ना करी? यारो मेरे को मालूम चल चुका है कि स्नो ट्रांसफॉर्मर कहाँ पर मिलेगा मेरे को, पहला नंबर तो फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। एक मिनट, पर यहाँ पर यार ये पूरा का कसीनो कुछ जाना पहचाना जैसा ना लग रहा, जैसे कि मैं 22 टाउन आ गया हूँ। वो यहाँ पर भी डांस करने के लिए है, कतई डांस तो बनता है। एक वैसे भी मेरे को स्नो ट्रांसफॉर्मर का मालूम चल चुका है, मजे आ गए रहा है। एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही घटिया डांस कर रहे हैं ये लोग, इनको भी कतई ऊपर भेजना पड़ेगा। निकलो तुम लोग भी निकलो, ये तो गए। और भी जो जो मेरे को मिलता जाएगा ना, मेरा दिमाग हो चुका है कतई गर्म, क्योंकि मेरे को फिर से इतना लंबा सफ़र करके जाना पड़ेगा 22 टाउन। अगर मेरे को पहले ही मालूम चल जाता कि वो स्नो ट्रांसफॉर्मर 22 टाउन में है, तो मैं यहाँ पर आता ही ना। गाड़ी 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 गाड़ी, वहाँ पर है गाड़ी, एक मस्त गाड़ी। कतई ठंडा हो जाता हूँ पानी में यार, यहाँ पर तो बड़ी भयंकर धूप है यार, कतई मेरे पैर जल गए। ओए जल्दी से गाड़ी मिल जा मेरे को कोई। अबे सीधी हो जा, क्या कर रही है, ये तो घटिया गाड़ी, सीधी ना हो रही। कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, अपन लोग उस नीली नीली गाड़ी में जाएंगे, ये कतई मेरे रंग से मैच कर रही है। वो मस्त है ये तो गाड़ी। अब यारों फटाफट से 22 टाउन निकल लो, क्योंकि वो स्नो ट्रांसफॉर्मर और कहीं पर नहीं, हमारे 22 टाउन में ही है, और मुझे मालूम ही नहीं चला कि वो 22 टाउन में है। कहता अजीब इंसान हूँ यार मैं। 1 2 3 और ये, अबे रुक जा, किधर जा रहा हूँ सिर्फ यार, मैं फिर से पानी में गिर गया। यहाँ पर तो भी यार अच्छी अच्छी हवा चल रही है, 22 टाउन तो मस्त है यार जी, उस माफिया सिटी बोर से तो मस्त है अपना 22 टाउन। ओए रुक जा, गया, बच गया। ओ यारो ये सब छोड़ो, हम लोगों को स्नो ट्रांसफॉर्मर चाहिए है ना। मैं तुम लोगों को बताता हूँ स्नो ट्रांसफॉर्मर हम लोगों को मिलेगा कहाँ पर। हम लोगों को सबसे पहले तो इस फुटबॉल स्टेडियम के अंदर जाना पड़ेगा। कैसे जाऊँ, पर यहाँ पर तो मेरी रोप ही काम ना कर रही। एक मिनट, मैं कतई अंदर के लिए रोप फेंकूँ क्या? या भाई यार, एक तो ये बहुत ज़्यादा दूर है, कतई रोप मेरी कनेक्ट कर नहीं पा रही, आप करेगी? यारो ये फुटबॉल स्टेडियम है ना, इसके पीछे है वो स्नो ट्रांसफॉर्मर। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, तुम लोगों ने बहुत बार गौर किया होगा लेकिन कभी तुम यहाँ पर
वो चीज़ तुम लोगों ने देखी भी ना होगी जो कि मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ। वो तुम लोगों को वहाँ पर बॉक्स नज़र आ रहा है, तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस उस बॉक्स पे ना 3 बार ये गोले फेंकने हैं, 1, 2 और ये आखिरी 3। कतई 3 गिर गए, अब देखो यहाँ पर ही आएगा स्नो ट्रांसफॉर्मर। वो क्या मस्त है ना ये स्नो ट्रांसफॉर्मर, कतई कदर लग रहा है यार। मैंने कहा था ना आखिरकार स्नो ट्रांसफॉर्मर इधर ही है। तो गुड यारो, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड यारो। और अगर तुम लोगों को स्नो ट्रांसफॉर्मर की वीडियो अच्छी लगी तो कतई अपने दोस्तों में शेयर करो यार, व्हाट्सअप पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, फेसबुक पे करो, जिस पे करना है करो यार, पर करो ठीक है ना। तो गुड यारो, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड यारो, और शेयर करना तो यार प्लीज़ मत भूलियो।